Hello everybody, this is me Noor Zahira and you all are watching News 4. World Food Day is an international day celebrated every year around the world on 16th October in honor of the date of the founding of the Food and Agriculture Organization. This year too in Bengaluru, the World Food Day celebrated by Roti Charity Trust founder Gulab, and who gave away food to Rajiv Gandhi Hospital and Enhanced Hospital patients attenders. On this occasion, more than 500 people had gathered, of which a few special occasion chief guests were the Jayanagar MLA Soumya Reddy, ACP Sajid Khan and Corporator AR Zakir. If you all like the video and if you all want to support Roti Charity Trust, then do so by following them on their official website. Also, please do like, share, follow and subscribe to News 4. Thank you. This is me, Noor Zahira. Hungry people, wherever there are poor people. And so
एंड सो या सरकार की तरफ से ये अन्न भाग्य इनफैक्ट दे रहे हैं जो गरीब है. इनफैक्ट हमारे पिछले कांग्रेस सरकार ने सिद्धामैया जी जो कोई है वो भी नहीं सुनना चाहिए उनसे 7 kg राइस बट ऐसे लोग दूसरे गांव से शहर से दूसरे स्टेट से आते हैं तो वो कहाँ जा रहे हैं. तो इनफैक्ट हैज टू बी इनफैक्ट इंदिरा कैंटीन भी हमने शुरू किया था वो 5-10 rupees में सस्ते किया था बट शायद ऐसे लोग को वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते. So I think every day should be World Food Day because we have to take feeding people into a priority. So, एक भी बंदा भूख ही नहीं सुनना चाहिए. I think there is no argument about it. जो कोई सरकार है I think has to make this into a priority. पहले बात तो Roti Charity Trust को मुबारकबाद देना चाहूँगा और गुलाब साहब को जो ये नोबल पास कर रहे हैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा. और मेरा इतना अच्छा काम हो रहा है हॉस्पिटल के जो बीमार के साथ जो उनके साथ जो आते हैं तो उनके लिए खाने का नाश्ते का जो प्रोग्राम हो रहा है बहुत अच्छी काम हो रहा है. और मैं ये मैसेज देना चाहूँगा हर कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का ये ट्रस्ट कोई ट्रस्ट ऑपरेट किया तो कोई भूखा नहीं बताइए. और मैं इंशाल्लाह मैं मेरे तरफ से भी Roti Charity Trust को एक दिन हर महीना हर महीने में एक दिन मेरे तरफ से यहाँ पे और ऐसा नहीं काम में चल रहा है तो कोई भूखा नहीं. कितनी अफसोस की बात है कि आज भी बैंगलोर में लोग भूखे सो रहे हैं. हमें और आपको इसमें कोई ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है चाहे वो BBMP की तरफ से हो या किसी संग्रह में गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छी स्कीम हुई थी इंदिरा कैंटीन की जहाँ पे हॉस्पिटल नाश्ता 10 रुपये में खाना और डिनर 10 रुपये तो उसके बावजूद ऐसे भी लोग हैं कि 10 रुपये और 5 रुपये भी जो नहीं खर्च कर सकते तो उन लोगों के लिए ये जो काम कर रहे हैं Roti Charity Trust ऐसे ट्रस्ट हमें हर इलाके में 28 काउंसिल से हम बैंगलोर में 28 इलाकों में हम अगर से ऐसे ट्रस्ट से काम करते हैं तो हम बुक करूँगा गुलाब साहब को और मेरे तरफ से जो कुछ भी बन रहा है. शुक्रिया शुक्रिया. मैं यही कहूँगा कि एक हमारे बकरना में कहावत है ದಾನದಲ್ಲಿ ದಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾನ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅನ್ನದಾನವು ಅನ್ನದಾನ ಜಬ್ ಹೋ ರಾ ಅನ್ನದಾನ ಭಾಗಿ ಬನ್ನೋಕ್ಕೆ ಸಾಥ ಮೇ ಚಲನಾ ಹಮಾರಿ ಭೀ ಮೇರೆ ಖ್ಯಾಲ ಸೆ ಹಮಾರಿ ಭೀ ಖುಷ್ಕತ್ ಖುಷ್ ಖುಷ್ಕಿಸ್ಮತ್ ಭೀ ಹೈ ಮೇ ಭೀ ಯಹಾಂ ಪೆ ಆಪ್ ಲೋಗೋ ಕೆ ಸಾಥ ಫುಡ್ ಡೇ ಸಿರ್ಫ ಯಾದ ದಿಲಾತಾ ಹೈ ಕಿ ಭೀ ಬಹುತ್ ಸಾರೆ ಲೋಗ್ ದುನಿಯಾ ಭರ್ ಮೇ ಭೂಕೆ ಪೈಸೆ खाने हैं खाना जिनको खाना नहीं है वो रास्ते पे वहाँ वहाँ जान छोड़ रहे हैं जान दे रहे हैं. तो फूड डे याद दिलाने के लिए मनाते हैं या ऐसा हो रहा है लोगों का ध्यान उनकी तरफ बढ़ाने के लिए. मुझे यहाँ तो अभी ऐसे लग रहा है कि ऐसे अगर Roti चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह और ज़्यादा ट्रस्ट आगे आते हैं तो मेरे ख्याल से फूड डे याद दिलाने की ज़रूरत ही नहीं रहती क्योंकि हर दिन ही अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह गरीबों को जिनके पास खाने के लिए नहीं है उनको खाना इस तरह का मिलता है मुहैया करता रहे तो फूड डे की ज़रूरत ही नहीं है. हिंदुस्तान में तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है उतनी ज़्यादा तादाद में लोग भूखे नहीं हैं जितने के भी हम सूडान में देखते हैं या इथोपिया में देखते हैं तो वहाँ पर और भी ज़्यादा है. ये फूड डे तो एक्चुअली वहाँ के लिए बनाया था. ये चलो अच्छा है कि हम यहाँ पर भी मनाते हैं ताकि हमको भी याद रहे कि हमारे जैसे इंसान वो भी भूखे पैसे हैं. मैं Roti Charity Trust मेरे भाई गुलाब और उनकी टीम को मुबारकबाद देते हुए क्योंकि इससे पहले भी उन्हें ये 1000 दिन तो पूरे कर चुके हैं मतलब 3-3.5 साल पूरे कर चुके हैं. आगे अल्लाह से दुआ भी करता हूँ उनको और उनकी ताकत बढ़ाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद. आपका नाम? मैं मोहम्मद सज्जाद खान असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस विधानसभा सिक्योरिटी. थैंक यू सर. एक यादगार दिन होगा और खासकर Roti Charity Trust गुलाब की वो टीम है पूरी उनको मुबारकबाद भी देना है
ये जो है लगातार जो है ये 1000 दिन पूरे करके 1100 दिन पूरे कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात है अपना काम धंधा सब छोड़ कर जो है दूसरों के बारे में भूख प्यास को एहसास करना और उनको बराबर वक्त पे खाना खिलाना बहुत बड़ी बात है। रोज को नाश्ता भी सुबह में 7 बजे गरम गरम इडलियाँ ला के देना, दोपहर में खाना अच्छा देना, ये अपने आप पे बहुत बड़ा काम है। काम हमें हिम्मत खलक है, खास कर यहाँ पे जो है जो बाहर के लोग आते हैं अटेंडेंट्स पेशेंट्स बहुत गरीब तबका है वेस्ट बंगाल से है ना उधर से बिहार से उड़ीसा से और उन लोगों के लिए यहाँ पे कुछ भी चीज़ें मालूम नहीं है। ऐसी सूरत में इनको जो है एक बहुत बड़ी चीज़ है दोपहर का खाना नाश्ता करने में ये लंगर है। ये इसको देखा देखी विक्टोरिया हॉस्पिटल में शुरू करे हैं, अभी भी इरादा हमारा है कोशिश हमारी है कि बोरिंग हॉस्पिटल में भी इसे कोशिश करें, लेकिन इसे टीम की ज़रूरत है किसी फर्द की नहीं। और इंशाल्लाह इसे कई जगह शुरू करें, डीजी हल्ली में भी एक शुरू करे हैं, इंशाल्लाह इसे और भी जो है इसे कामयाबी से तमाम मोटिवेट करे हैं। इसे ये देखा देखी बहुत जगह फैला हुआ है, अल्लाह करे कि कोई भी भूखा ना रहे, हमारी कोशिश यही है, हमारी दुआ भी यही है कि अल्लाह ताला किसी को भूखा उठाए तो भूखा ना सुलाए। बस सैयद मोहम्मद इकबाल जनरल सेक्रेटरी कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा। मेरा मानना है कि भूख का कोई मजहब नहीं होता। अभी आप लोगों ने देखा होगा पेपर में इंडेक्स ग्लोबल जो खिदमत करने वाले हैं जो ये काम पे लगे रहे हैं ये भूखमरी को मतलब हमारे हिंदुस्तान से ख़त्म करने की कोशिश करें, तो ये पहलू हमने शुरू किया है आज से। ये वर्ल्ड फूड डे है तो इसी दौरान तो सब लोगों को ये देना चाहते हैं कि आप अपने अपने मोहल्लों में अपने अपने एरियों में अपने अपने गाँवों में आप भी ये काम शुरू करें ताकि कोई भी भूख से लोग तरसे नहीं। ये मैंने देखा है कि बहुत सारे हॉस्पिटलों के पास में मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि बहुत सारे हॉस्पिटलों के पास में इतने लोग मजबूर रहते हैं कि गांवों से देहातों से दूर दूर से आके रहते हैं कि मैं ये अपील करता हूँ कि जितने भी हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं जो एक्टिविस्ट हैं सोशल वर्कर हैं जो अपने अपने एरों में हॉस्पिटल जो है वहाँ पे आप भी ये काम चालू कीजिए, क्योंकि जो सिटी में एक हॉस्पिटल रहेगी तो गाँव से बहुत सारे लोग आते हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हॉस्पिटलों के पास में जाइए, उनका हालचाल पूछिए, आप उनको भी एक वक्त की रोटी हफ्ते में एक बार या हफ्ते में दो बार आप लेके जाके दीजिए ताकि भूखमरी यहाँ से ख़त्म होगी। बहुत अच्छा।